तो गाइस, तो ये सामने आप जो पुल देख रहे हो, यही पुल गुजरात और मध्य प्रदेश को जोड़ता है। इस पुल के उस साइड आप जाओगे तो आ जाएगा डायरेक्ट एमपी मध्य प्रदेश, और इस साइड है गुजरात। तो गाइस, यहाँ पे मैं रुका हूँ। जो एमपी के जो भैया है वो बताया कि एमपी का पहला गांव कौन सा पड़ता है, और राजस्थान बॉर्डर वो भैया हमको लेके जाएंगे। वो भी पास में ही है, 1 किलोमीटर दूर है राजस्थान बॉर्डर यहाँ पे। तो पहले पूछते हैं कि एमपी का कौन सा गांव पास में पड़ता है यहाँ से। भैया क्या नाम है आपका? रीवन सारंग। और आप एमपी से ही हो ना? एमपी से। पर कौन सा ये एमपी का पहला गाँव है? गाइस, जो सामने आपको जो दिख रही है गाय, जो राजस्थान के अंदर है, और मैं अभी खड़ा हूँ एमपी के अंदर, और ये नदी के उस पार है गुजरात। तो गाइस, तो ये सामने आप जो पुल देख रहे हो, यही पुल गुजरात और मध्य प्रदेश को जोड़ता है। इस पुल के उस साइड आप जाओगे तो आ जाएगा डायरेक्ट एमपी मध्य प्रदेश, और इस साइड है गुजरात। तो ये नदी का नाम है अनास नदी। अनास ब्रिज आप देखते हो तो अनास ब्रिज लिखा हुआ है। तो शूटिंग का तो मैंने पूछ लिया कि शूटिंग अलाउड है, आप जा सकते हो, शूटिंग कर सकते हो, इसका कुछ इश्यू नहीं है। तो ये कुछ गाइस देख लीजिए, ये पुल आप जैसे क्रॉस करोगे, पुल ख़त्म होगा तो आ जाएगा मध्य प्रदेश एमपी, और पुल के पीछे की साइड है पूरा गुजरात। तो ये कुछ अनास नदी है, ये अनास नदी गुजरात और महाराष्ट्र, सॉरी गुजरात और एमपी की बॉर्डर पे ही एग्जैक्ट नदी है ये, उसके ऊपर ये पुल है। ये पूरा पुल आप आगे जाओगे तो आ जाएगा मध्य प्रदेश, और ये है गुजरात। तो गाइस, तो ये था कुछ थ्री स्टेट बॉर्डर का पहला जो स्टेट है गुजरात और मध्य प्रदेश का बॉर्डर। तो थोड़ा आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश में एंट्री होके आते हैं, फिर से हम चल के फिर हम गुजरात आ जाएंगे। तो कैसा कैसा लग रहा है कि चल के आप मध्य प्रदेश जा रहे हो, गुजरात से मध्य प्रदेश चल के जा रहे हो और फिर से वापस चल के ही आ रहे हो? ये तो पुल को क्रॉस करके मैं पहुंच चुका हूँ मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में थोड़ा नाश्ता वास्ता करते हैं, दो शॉप काफ़ी अवेलेबल है। तो इस पुल को आराम से क्रॉस किया और मैं पहुंच चुका हूँ मध्य प्रदेश एमपी। इस तो ये सामने पुल देख रहे हो, यही पुल गुजरात और मध्य प्रदेश को जोड़ता है, और सामने लिखा हुआ पर भी पढ़ सकते हो, गुजरात राज्य प्रदेश में आपका हार्दिक स्वागत है, वो भी आप पढ़ सकते हो। तो यह है कुछ पुल, तो यह कुछ शॉप है, पूछते हैं भैया को। नदी कोई है? तो अभी मैं एमपी की बॉर्डर पे एक शॉप पर बैठा हूँ, और कुछ तो ठंडा मंगाया है तो ठंडा पीते हैं, उसके बाद भैया से बातचीत भी करते हैं। ये गुजरात और एमपी की बॉर्डर में ही ये शॉप है, और ये पहली शॉप है जो कि एमपी में आती है, गुजरात में नहीं आती। तो गाइस, यहाँ पे मैं रुका हूँ। जो एमपी के जो भैया है वो बताया कि एमपी का पहला गांव कौन सा पड़ता है, और राजस्थान बॉर्डर वो भैया हमको लेके जाएंगे। वो भी पास में ही है, 1 किलोमीटर दूर है राजस्थान बॉर्डर यहाँ पे। तो पहले पूछते हैं कि एमपी का कौन सा गांव पास में पड़ता है यहाँ से। भैया क्या नाम है आपका? रीवन सारंग। और आप एमपी से ही हो ना? एमपी से। पर कौन सा ये एमपी का पहला गाँव है? जारनी गाँव आता है ना, तो एमपी का पहला गाँव जो जारनी गाँव आता है। और राजस्थान का पहला गाँव कौन सा आएगा? ये बोरकुंडा। बोरकुंडा, ओके। तो यहाँ से इंदौर कितना दूर होगा? इंदौर यहाँ से मतलब 120-130 होगा। हाँ, 120 किलोमीटर। तो यही भैया हमको लेके जाएंगे राजस्थान बॉर्डर, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर। तो गाइस, तो अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो एमपी है, और ये जो भैया है मुझे राजस्थान बॉर्डर तक ले जा रहे हैं, मतलब वहाँ जहाँ से राजस्थान का जो घर दिखेंगे वहाँ तक ले जाएंगे। और ये थ्री स्टेट बॉर्डर, मतलब गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बॉर्डर है। तो भैया चलते हैं। मतलब भैया ये मतलब सामने आप जो घर दिखा वो राजस्थान का होगा? वो राजस्थान का है। अभी हम कहाँ पे खड़े हैं? एमपी में। अभी एमपी में खड़े हैं? एमपी में खड़े हैं। और राजस्थान, और अगर आगे सामने वाला दिखता है वो गुजरात आ गया। ओके, वहाँ सामने गुजरात आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी है कुछ थ्री स्टेट बॉर्डर। आपका नाम क्या है भैया? संजय भाई। आप मतलब एमपी से हो या गुजरात से? गुजरात से ही हो आप? मतलब मतलब कहाँ से? लिमडी। ओके, ये भैया हमको बताएंगे कौन सा एमपी में घर है, कौन सा राजस्थान में है, कौन सा गुजरात में है। तो भैया बता दीजिए एक बार। वो सामने घर दिखता है नहीं?
हाँ सामने वो गुजरात वाला घर है, सोम ग्रह दिख रहा है वो घर गुजरात का है, गुजरात का है वो, सामने घर दिखता है वो राजस्थान का है। ओके, सामने जो आपको घर दिख रहा है वो राजस्थान का घर है, वो सामने दिखता है वो उधर, और ये पीछे वाला घर पूरा एमपी का घर है, मतलब तीनों राज्य सब मिलके है यहाँ। ओके, थ्री स्टेट बॉर्डर, सामने वाला गुजरात, ये वाला राजस्थान, और अभी हम खड़े हैं एमपी के अंदर। ये राजस्थान का है कौन सा गांव है वो? जायनी। और गुजरात का तो पता है चाकलिया गांव है, चाकलिया वो बालवासा आ गया। एमपी का? बालवासा आ गया। एमपी का ये गांव है जो है बालवासा गांव है। तो गाइस सामने वाला है गुजरात, राजस्थान, और हम खड़े हैं एमपी के अंदर। गाइस जो सामने आपको जो दिख रही है गाय जो राजस्थान के अंदर है, और मैं अभी खड़ा हूँ एमपी के अंदर, और ये नदी के उस पार है गुजरात।